जय हिंद दोस्तों, डब्ल्यू डी ए डिफेंस अकेडमी अंबाला वॉरियर्स से मैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल अत्री बहुत दिन के बाद आपसे जो है रूबरू हूँ और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आपके सामने आया हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे ही अननेसेसरली वीडियो बनाता नहीं हूँ, कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो उसके बारे में ही मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा समय आपका मैं व्यर्थ वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ और वो मुद्दा ये है कि आप दो तीन बातें समझ लीजिए। पहला कि अब जो आने वाला अग्निवीर का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा और वो फिजिकल के पहले होगा, यानी कि दो चेंजेस आए हैं, दो चेंजेस। पहला, फिजिकल से पहले रिटन एग्जाम, सेकेंडली ऑफलाइन ना होते हुए अब ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि ये दो चेंजेस आए हैं। और ये दोनों चेंजेस अगला रिक्रूटमेंट ईयर जो कि 1 अप्रैल इसी साल के 1 अप्रैल से शुरू है उससे लागू हो जाएगा, किसी किस्म के आप बहकावे में ना आए, उससे ही शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये प्रक्रिया किस हिसाब से चलेगी। देखिए, अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि अग्निवीर से पहले की बात करूँगा मैं, उसमें क्या था, उसमें आपके साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया 8 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते थे, 12 महीनों में से, और 4 महीने जो थे वो डिस्पैच के होते थे। अब आप समझिएगा क्या रहेगा। अब मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब साल में एक ही एग्जाम होगा, ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्जाम होगा रिटन का ऑनलाइन। इसके अलावा एआरओ वाइज 15% 20% या जो भी परसेंटेज निर्धारित की जाएगी, एआरओ वाइज उस टॉप ब्रैकेट के 15% या 20% जितना भी होगा, 25% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, वो डिसाइड किया जाएगा। टॉप के उतना परसेंटेज, सर्टन परसेंटेज जो टॉप लिस्ट होगी उन बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल जो है एआरओ के माध्यम से ही होगा, आपका फिजिकल की प्रक्रिया वही रहेगी जो अभी आपकी फिजिकल की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको बुलाया स्पेसिफिक बच्चों को ही जाएगा। बात समझ आ रही है आपके, ये आप एक दूसरा चीज समझ लीजिए। इसके साथ साथ जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अब एक ही ग्रुप बने शायद, इसके बारे में मैं आपको कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि अब शायद एक ही ग्रुप बनेगा, उसी से फेल या पास का निर्धारण होगा, और जो बच्चे पास कर जाएंगे वो सभी को पास कर दिया जाएगा, और जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी वो होगी मेरिट लिस्ट के आधार पे। मान लीजिए रिटन फिजिकल मेडिकल 600 बच्चों ने जो है पास किया है एक एआरओ में, पहले सेंट्रली उन्होंने एग्जाम दिया रिटन का, फिर एआरओ के माध्यम से उनकी फिजिकल की भर्ती हुई और उसके बाद उनका मेडिकल क्लियर हो गया, 600 बच्चों का क्लियर हुआ है और 400 बच्चों की ही जो है वैकेंसी है, तो उस लिस्ट में जो टॉप 400 बच्चे होंगे उनको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बाकी ये 200 बच्चे शायद ज्वाइन ना कर पाए, फिर वैकेंसी के हिसाब से होगा। अब इसके अंदर आता है एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशन भर्ती, स्पोर्ट्स भर्ती, वो किस हिसाब से इनके अंदर सेट होंगी चीज़ें, वो हम आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा उसके अंदर बड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन एग्जाम आने वाले रिक्रूटमेंट ईयर में और फिजिकल से पहले एग्जाम, ये तय है, ये तय मान के चलिए। इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि अब आपको फिजिकल की अकेडमीज में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पास में आ रही है, इस टाइम आप जो है फिजिकल अपना घर पे जारी रखिए, कोई आपको ये अकेडमी है फिजिकल के लिए ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने घर पे तैयारी जारी रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अकेडमी आना है उन अकेडमियों में आइए जहाँ पे आपको पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था मिले, ठीक है, जहाँ पे अच्छा कंप्यूटर का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, आपको कंप्यूटर जो है अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम लेने की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो कंप्यूटर लैब जहाँ पे सारी व्यवस्था है, ठीक है। तो खाली फिजिकल दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको फिजिकल रिटर्न दोनों की तैयारी करने को मिलेगी, लेकिन WDA में बैच तब चलेगा जब जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर दोस्तों, कि आगे अग्निवीर की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। सार बता देता हूँ दोबारा से, ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफलाइन के बजाय, फिजिकल से पहला, दूसरा फिजिकल से पहले रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। फिजिकल अकेडमी में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, जाके अपने घर पे तैयारी बदस्तूर जारी रखिए, जो टाइम ग्रुप में चेंज आ जाएगा अभी तो आप जो है घर में रह के बड़े आराम से कर पाएंगे, तैयारी वहीं करिए जहाँ पे आपको रिटर्न की सहूलियत मिले। अब आप घर पे रह के करना चाहते हैं, किसी अकेडमी रह के करना चाहते हैं, लास्ट के 3 महीने ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। गए वो जमाने अब कि सरकारी स्टेडियम में एक साथ में दुकान खोल के उसको एकेडमी का नाम देकर
जो है YouTube से पैसे कमाने का जमाना चला गया, आप लोग भी अवेयर होइए, वहीं आइए जहाँ पे आपको सही चीज़ मिले, ठीक है। सो ये है पहली चीज, सोचा काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जानकारी जैसी आई मैंने आप लोगों को दे दी, अब इस जानकारी पर आप जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं आगे की। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।